ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। चाबहार बंदरगाह जिसने चीन और पाकिस्तान की परेशानियों में चार चांद लगाने का काम किया। भारत ने किसी को परेशान करने की नियत से इस परियोजना को नहीं बढ़ाया था, लेकिन ईरान और भारत की इस परियोजना से चीन और पाकिस्तान के पेट में अक्सर दर्द होता है। इसके पीछे का कारण है ग्वादर बंदरगाह, जो चीन और पाकिस्तान की परियोजना है, जहां इन दिनों काम धंधा मंदा सा पड़ गया है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव है, जिसके कारण कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान पर लगाए, लेकिन इससे भारत और ईरान की दोस्ती पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। ताजा जानकारी की माने तो भारत और ईरान की परियोजना चाबहार बंदरगाह पर लगातार काम जारी है। हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से देश की संसद को जानकारी दी गई कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार बंदरगाह पर भारत का काम जारी है। जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तब से भारत को अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 5 शिपमेंट भेजी है। चाबहार पोर्ट बनने से अब सी रूट से होते हुए भारत के जहाज ईरान में दाखिल हो पाते हैं। इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल गए हैं। इसलिए चाबहार पोर्ट व्यापार और सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। चाबहार दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है। इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाया है। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती और भारत के साथ इस मुल्क के सुरक्षा संबंध और आर्थिक हित हैं। अरब सागर में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के विकास के जरिए चीन को भारत के खिलाफ बड़ा सामरिक ठिकाना मुहैया कराने की कोशिश की थी, लिहाजा चाबहार पोर्ट को विकसित करते ही भारत को अफगानिस्तान और ईरान के लिए समुद्री रास्ते से व्यापार कारोबार बढ़ाने का मौका मिल गया है। और सामरिक नजरिए से भी पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब मिला, क्योंकि चाबहार से ग्वादर की दूरी महज 60 मील की है। अब ग्वादर बंदरगाह पर होने वाले कारोबार मंदे पड़ गए हैं और चाबहार को लेकर कई देशों की नजर है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये पोर्ट दुनिया के कारोबार करने का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।